थिएटर में पंगा होने के बाद अब डंकी और सालार का ओटीटी पर भी रोला हो गया है। दोनों ही फिल्में हाल ही में एक ही प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हैं और दोनों के बीच व्यूअरशिप की भयंकर वॉर चालू हो गई है। लेकिन लगता है कि शाहरुख के आगे प्रभास का स्टारडम ओटीटी पर काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डंकी ने सालार का जीना हराम करके छोड़ा है। वो कैसे, चलिए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी अच्छे से समझाते हैं। जी हाँ, ओटीटी पर डंकी ने व्यूअरशिप के मामले में सालार से अपना बदला ले लिया है। नेटफ्लिक्स पर आई शाहरुख खान की डंकी ने वॉच आवर्स के मामले में सालार को पछाड़ दिया है। दरअसल शाहरुख खान की डंकी नेटफ्लिक्स पर 15 फरवरी को रिलीज हुई। कोई मोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक डंकी को सिर्फ 4 दिनों में 4.9 मिलियन यानी 49 लाख बार देखा गया। वहीं 15 से 18 फरवरी तक डंकी को 13 मिलियन घंटे यानी 1.3 करोड़ घंटे देखा गया। 12 से 18 फरवरी तक नेटफ्लिक्स की टॉप 10 नॉन इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में डंकी 5वें नंबर पर रही थी। बात करें प्रभास की सालार की, तो ये फिल्म 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आई थी। इस दौरान फिल्म का सिर्फ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन ही रिलीज किया गया था। कुछ दिनों बाद फिल्म का इंग्लिश वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर आ गया। ये फिल्म 15 से 21 जनवरी तक नेटफ्लिक्स की नॉन इंग्लिश फिल्मों की ट्रेंडिंग लिस्ट में 3रे नंबर पर रही। इस दौरान फिल्म को 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख बार देखा गया। इस तरह फिल्म को देखने के लिए लोगों ने नेटफ्लिक्स पर 4.8 यानी कि 48 घंटे बिताए। ऐसे में साफ है कि ओटीटी पर व्यूअरशिप के मामले में डंकी सालार से काफी आगे निकल गई है। भले ही सालार का हिंदी वर्जन बाद में रिलीज किया गया हो, जिसकी वजह से इसकी व्यूअरशिप में फर्क पड़ा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डंकी को किसी और भाषा में रिलीज नहीं किया गया है। ऐसे में फेयर रिजल्ट यही है कि ओटीटी पर डंकी के आगे सालार नहीं टिक पाई है और सालार की व्यूअरशिप डंकी से पिछड़ गई है। वहीं अगर बात करें दोनों फिल्मों की कमाई की, तो डंकी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 454 करोड़ रुपए की कमाई की थी और सालार ने 617 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इन दोनों ही फिल्मों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।